हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आपका पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर के डिस्कशंस में। इस डिस्कशंस की मदद से हम लोगों ने 2013 वर्ष से शुरू करते हुए 2015 वर्ष तक GS1 से लेकर GS3 तक अच्छे से डिस्कस किए। ये पेपर्स जो थे इसमें हर एक क्वेश्चन को हमने पकड़ा, क्वेश्चन पकड़ के उसके छोटे छोटे भाग किए, जितने भी उसके भाग संभव थे उसी के अनुसार हमने उसकी मांग को समझा। क्वेश्चन एक मांग रखता है, एक डिमांड रखता है, आपने उसको समझा, उसको एड्रेस करने के लिए ही आपने तैयार किया अपना आंसर। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का पहलू आपने छोड़ा नहीं, हर एक पहलू पे आपने वार किया, हर एक पहलू को बहुत अच्छे से आंसर किया। तो ये जो पहला वीडियो था मेरी सीरीज़ का और उससे अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं यही सेम अप्रोच हमने फॉलो की है। मेरी मंशा, मेरी सोच ये रही है कि दोस्तों अगर हम शुरू से लेकर अंत तक वही अप्रोच फॉलो करेंगे तो इतनी बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार आप उस चीज़ को देख लेंगे, आप समझ लेंगे कि वो आपके माइंड में छप जाएगी और अगली बार जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसी अप्रोच से उसको टैकल करेंगे। तो अगर आपने इसी बीच कोई एक वीडियो मिस कर दिया है या फिर आपने अभी अभी हमको ज्वाइन किया है तो ये गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ हमारे पहले लेक्चर से अभी तक के सभी लेक्चर्स को देखें। हमने बहुत गहराई तक जाके हर एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाया है, आपको उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट समझना सिखाया है। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद है आप आंसर वहाँ अपने आप बना सकते हैं। ज़रूरत है तो स्ट्रक्चर को समझने की, कैसे क्वेश्चन को आंसर किया जाए। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सब नीड्स हैं, हम लोग यहीं पर पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन वीडियोस को देख के आज के युग के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पकड़िए, उन क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, यही अप्रोच फॉलो करें, दिमाग में यही सब चीज़ें रखें, क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ें, हर एक भाग के हिसाब से अब उसका आंसर करें। और अगर इस वाले प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट पूछें, हम लोग आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियो पे जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं शुरू करता हूँ अपना आज का लेसन, वर्ष 2016 GS1 का डिस्कशन। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ की PDF चाहिए हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम जो है वहाँ पे क्या है, हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इससे संबंधित और किसी एग्ज़ाम से संबंधित आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इन दो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की लेक्चर सीरीज़। हमेशा की तरह मैं शुरू करना चाहूँगा बेसिक्स के साथ, रिवीजन के साथ। देखिए, आंसर राइटिंग में उतरने से पहले आंसर राइटिंग की गहराई को जान लेना ज़रूरी है, ज़रूरी है बेसिक्स को जान लेना, ज़रूरी है ये समझना कि कैसे शुरू करना है। शुरू करने के लिए आपको चाहिए होती है एक सही अप्रोच। वो कैसे आएगी? वो आएगी क्वेश्चन में छुपे हुए कीवर्ड को पहचान के। अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कीवर्ड पहचानने की कला आ चुकी होगी। इस कीवर्ड को देखते ही आपके दिमाग में उससे संबंधित कंटेंट जनरेट होगा। भाई, इस कंटेंट को अब आपको करना है अरेंज, मतलब किस कंटेंट के पोर्शन को, किस हिस्से को आपको विस्तार में डिस्कस करना है, कौन से कंटेंट के हिस्से को आपको बस हल्की सी जानकारी दे के निकल जाना है, ये सब आपका ये सेकेंड पॉइंट का हिस्सा है जो कि है अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। फिर भाई आपने सब कुछ तैयार कर लिया, ज़रूरी है इसको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर अपने कॉपी में उतारना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए UPSC में आपके पास नॉर्मली 7 से 8 मिनट ही रहते हैं, इसी दौरान आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। तो आप ये करेंगे कैसे? ये आप करेंगे ऐसे कि अगर क्वेश्चन 200 वर्ड की मांग कर रहा हो तो आप कोशिश करेंगे कि उसको 170 से 180 में ही ख़त्म करने का। 200 वर्ड पूरे लिखने की कोशिश ना करें, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें, उससे यहाँ पे कुछ कुछ टाइम बचेगा और अंत में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई आपको किसी का आइडिया कम हो तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपके पास जब टाइम रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो वो टाइम आपका निकलेगा यहाँ से, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर चलते हैं फंडामेंटल्स पे।
आंसर राइटिंग के कुछ फंडामेंटल होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल है कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, उसकी क्या नीड है। वो आप समझेंगे कैसे, कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इलेबोरेट, कमेंट, इलूसिडेट। इस तरीके के कीवर्ड देख के ही आप अपना क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं। हर एक कीवर्ड का आंसर दूसरे से अलग होगा। कीवर्ड ही डिसाइड करता है कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। तो दोस्तों, एक क्रिटिकली एनालाइज टाइप का क्वेश्चन और एक डिस्कस टाइप का क्वेश्चन दोनों अलग तरीके से आंसर किए जाएंगे। तो ये हम कीवर्ड से डिसाइड करते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन, जो कि एक टीजर या ट्रेलर है कि आप आगे आंसर में क्या कहने जा रहे हैं। इसमें आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, आज का क्या सिनेरियो है ये बता सकते हैं। ऐसे आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आती है बॉडी। ये जो बॉडी है, यही है आपका मेन वर्किंग एरिया। यहाँ पे आपको अपना पूरा कंटेंट लिखना है और उसको मजबूती प्रदान करनी है सबूतों के आधार पे। सबूत क्या है? कोई फैक्ट हो, वर्ल्ड बैंक की, IMF की कोई रिपोर्ट्स हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स हो, सेंसस के आपके पास डेटा हो, मैप्स आप बना पाएँ, फ्लो चार्ट्स बना पाएँ। इनसे आपके आंसर को मजबूती मिलती है। फाइनली आता है हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? ये है फाइनल जजमेंट। इसमें भाई होता क्या है? इसमें होता है जब आपने पूरा क्वेश्चन एड्रेस कर लिया, उसके बाद आप फाइनल जजमेंट दें। कोशिश करें ये जो जजमेंट है ये बैलेंस्ड रहे, ना आप एक तरफ झुकें ना आप दूसरी तरफ झुकें, ना ही आप आलोचक बने ना ही आप समर्थक बने, आप बने एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसकी नज़रिए से देखिए, एक मिडिल पाथ फॉलो करें। कोशिश करें इसमें भी आप सॉल्यूशंस दें। अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है तो कोशिश करें अंत करें उसका सॉल्यूशन पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखने की बात, तो दो तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ फॉर्मेट में और दूसरा है पॉइंट फॉर्मेट में। पैराग्राफ फॉर्मेट में आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी और ये कंक्लूजन। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले शब्द से आखिरी शब्द तक एक डेटा फ्लो बना रहे। डेटा फ्लो कैसे मेंटेन होता है? वो होता है कुछ वर्ड्स की मदद से, जो कि ये हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि, ऑल्सो, फर्दर, मोरोवर, हाउएवर, इन सबसे पुराने लाइन और अभी के लाइन में एक डेटा फ्लो बना रहता है। भाई डेटा फ्लो से क्या फ़ायदा है? तो इस डेटा फ्लो से फ़ायदा ये है, जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में मूव करने में उसको मुश्किल नहीं होती। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, उसको लगता है शुरू से अंत तक ये एक कंटिन्यूएशन में आंसर है। और अगर इस चीज़ को आप पॉइंट फॉर्म में अडॉप्ट करें तो फिर उसमें भी कर लें, लेकिन पॉइंट फॉर्म में आप ध्यान रखें सब हेडिंग्स दें और वो भी अलाइन करें क्वेश्चन की मांग से। अगर क्वेश्चन बात कर रहा है कि इवोल्यूशन के बारे में बताएं तो पहली सब हेडिंग लिखें इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन बात कर रहा है इम्पैक्ट क्या होगा तो इम्पैक्ट, अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो पॉजिटिव लिखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हुए ही उसका आंसर तैयार करें। तो अब आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। देखिए, ये जो सवाल है ये कह रहा है कि जो पुराने बुद्धिस्ट स्तूपा थे, तो ये जो स्तूपास की आर्ट हुआ करती थी, ये फोक उस टाइम के ट्रेडिशन तो दिखाता ही था, साथ में ये बुद्धिस्ट आइडियल्स भी दिखाता था। तो आपको इसी बात को इलूसिडेट करना है। इलूसिडेट मतलब क्या है कि आपको बहुत डिटेल में बात करनी है, एकदम साफ कर देनी है अपनी बात। तो इसके अलावा क्या आपको एक कॉज और इफ़ेक्ट बताना है कि भाई स्तूपास बनाए, जो स्तूपा आपने बनाया उसी वजह से आज आपके बुद्धिस्ट जो आइडियल्स हैं काफ़ी हद तक जीवित हैं। वो बहुत सारे बुद्धिस्ट के जो है उस टाइम के फोक मोटिव्स को दिखाती थी, नरेटिव्स को दिखाती थी। तो ये आपको करना है, आपको एविडेंस लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल है तो वो लिखने से आपका आंसर को एक्स्ट्रा बैकिंग मिलती है। तो कोशिश करें आंसर में आपके एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें। क्वेश्चन मैं ब्रेकअप करता हूँ। देखिए, पुराने जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट थी, जो बुद्धिस्ट लोग स्तूपास बनाया करते थे, वो उस समय की फोक आर्ट, फोक मोटिफ, फोक नरेटिव्स, इन सबको तो बताता ही था। मतलब उस समय का समझ लीजिए आप, फोक जो कल्चर था उसको तो बताता ही था, उसके अलावा बुद्धिस्ट के आइडियल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। अप्रोच इसमें रहेगी, पहले तो स्तूपा के बारे में बताएं, फिर किस तरीके से स्तूपा जो है वो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, उसके बाद अपन ये बात कर ली, फिर आप बताएं किस तरीके से ये बुद्धिस्ट के आइडियल्स को एक्सपाउंड करता था, मतलब उनको बढ़ा चढ़ा के बताया करता था। भाई आपका क्वेश्चन था कि उस समय जो है वो स्तूपाज आपकी लोक कथाओं पे बात करते थे, लोक विषयों पे तो बात करते ही थे, लेकिन साथ साथ में बहुत ज़रूरी है बौद्ध आदर्शों पे भी बात करते थे।
तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया किस तरीके से वो वहाँ के बौद्ध आदर्शों पे बात करते थे। उसके बाद स्तूपा का सिंबोलिज्म क्या है, वो किस तरीके से आप देखते हैं, स्तूपाज में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली जो भी आपने स्टैंड पकड़ा है पूरे आंसर में, उसी को मजबूती देंगे। तो देखिए, शुरुआत मैंने की है ये बताते हुए कि स्तूपा क्या है। स्तूपा बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे कि खुद बुद्धा, उनका जो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट था उसको, एक पहाड़ को, पूरे ब्रह्मांड को। तो इस स्तूपा में ये कुछ चीज़ें एक साथ डिनोट की जाती हैं। अगर स्तूपा की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुद्धा का आर्किटेक्चर है, उस समय का बौद्ध आर्किटेक्चर आप देखेंगे, स्तूपा उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट इमर्ज होके आता है। और जो सबसे पुराने स्तूपाज थे, उन्होंने क्या हुआ था, उसमें बुद्धा के अवशेष भी रखे गए थे। और इस वजह से जो है ये जो पूरे स्तूपाज हैं, ये बुद्धा के खुद की स्मृति, उनकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया कि स्तूपास किस लिए रेलेवेंट हैं। अब बात करते हैं जो सवाल हमसे पूछ रहा है, किस तरीके से वह बौद्ध आदर्शों को अच्छे से बताते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले चीज़ ली स्तूपा एज बुद्धा हिमसेल्फ। तो आप ये मान लीजिए, अगर ये एक स्तूपा है तो इसमें जो डोम स्ट्रक्चर था, ये जो डोम स्ट्रक्चर है, ये रिप्रेजेंट करता था जैसे कि कोई आदमी साधना कर रहा हो। और वो कौन होगा, वो व्यक्ति होंगे स्वयं बुद्धा। बुद्धा जब साधना कर रहे थे अपने, वह अपने आप की खोज के लिए जब ध्यान लगा के बैठे थे, सत्य की खोज कर रहे थे, जब वो ज्ञान की खोज कर रहे थे, तो उस समय जिस तरीके से वो ध्यान लगा के बैठे थे, ये देखिए कुछ ऐसे वो बैठे हुए थे। तो ये जो है, ये जो डोम स्ट्रक्चर है, ये उसी प्रतिमा को बिल्कुल दिखाता है, दर्शाता है। उसके बाद अगर अपन बेस माने, ये जो बेस है, आप ये बेस को माने, तो ये क्या चीज़, ये बुद्धा के क्रॉस्ड लेग को दिखाता है। ये देखिए कि वो जो आलती पालती मार के बैठे थे, जो उन्होंने साधना में जो पोजीशन लगाई थी, उसमें उनके आलती पालती मार के बैठने वाली जो पोजीशन है, उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको पद्मासन से भी यहाँ पे बोला गया है, पद्मासन है वो। फिर उसके बाद अगर मिडिल की बात करें अपन, तो ये दिखाता है मिडिल पोर्शन ऑफ द बुद्धाज बॉडी। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। टॉप की बात करें, एकदम टॉप पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है, तो वो दर्शाते हैं जो बुद्धा के टॉप ऑफ द हेड पे जो है, ये जो है, और ये आप इसमें देखें तो इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो एक स्तूपा है, वो कम्प्लीटली बुद्धा की पोस्चर को, उनकी इमेज को, उनकी आकृति को दर्शाता है। और वो जब ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, अपनी सत्य के खोज में बैठे हैं, एनलाइटनमेंट की खोज में बैठे हैं, तो उस समय देखिए, अब वापस एक बार दोहरा देता हूँ मैं, जो डोम है वो ये ऊपर का बुद्धा का शरीर है, वो मेडिटेट कर रहे हैं। जब जो मिडिल है, वो मिडिल का शरीर है, जो इसका बेस है, वो बुद्धा के क्रॉस लेग्स हैं, और अल्टीमेटली जो इसका हेड है, वो बुद्धा के हेड के भांति ही कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद अगर हम बोलें कि भाई, जब शुरुआत में बुद्धा की कोई इमेज नहीं बनी थी, ये तो बहुत बाद में आया, जब बुद्धिज्म के धीरे धीरे भाग होना शुरू हुए, जब एक बुद्धिस्ट सेक्शन जो था वो आगे बढ़ के बुद्धा की इमेज क्रिएट करने लगा, तो उससे पहले क्या होता था, लोग स्तूपा को ही पूजा करते थे, उसी की वर्शिप, उसी को डिवोशन किया करते थे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया, ये डोम है, ये बेस है, ये मिडिल है, और ये एकदम टॉप ऑफ द जो है आपका स्तूपा है। अब और सिम्बॉलिज्म क्या है, बुद्धा ने कहा था कि उनके उनके शांत हो जाने के बाद, उनके जो अवशेष हैं, जो बची हुई उनकी अस्थियां हैं, वो यहाँ पे रखी जाएं। तो इसीलिए आज भी स्तूपा में कुछ जगह पे बुद्धा के अवशेष रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्तूपा को समझें, एक ये सर्कल है, ये व्हील है, या फिर एक चक्र है, ये उस चक्र के जो बीच में है, ये एक सेंटर है जो स्थिर है, जो मूव नहीं कर रहा। तो ये जो अनमूविंग सेंटर है, ये दिखाते हैं एनलाइटनमेंट। और ये कहता है, अगर आपको इस ज्ञान की तलाश करनी है, तो आपको भी अपने जीवन में वो शांति, उस तरह की अस्थिरता लानी पड़ेगी, आपको उतना ही ध्यान लगाना पड़ेगा, और तभी आप बुद्धा धर्म को, बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर कई स्तूपाज जो होते हैं, वो स्क्वायर बेस पे ऐसे प्लेस्ड होते हैं, तो स्क्वायर बेस मतलब इसमें जो स्क्वायर है, उसमें ये देखिए, एक
एक दो तीन चार, ये जो चार कोने हैं ये चार दिशाओं को दर्शाते हैं। उसके अलावा हर एक साइड पे क्या होता है, एक गेट होता है। देखिए ये है हर साइड पे गेट। तो ये जो गेट है इसको हम आम तौर पे तोराना बोलते हैं, और यहीं से जो प्रैक्टिशनर होता है, जो बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस करता है, वो अंदर जाता है और बाहर आता है। हर एक गेट जो है बुद्धा के जीवन के ग्रेट इवेंट को दिखाता है कुछ ना कुछ। जैसे कि ईस्ट वाला जो है पूर्वी गेट है, वो बुद्धा के जन्म को दिखाता है। जो आपका दक्षिणी गेट है वो उनके एनलाइटनमेंट को दिखाता है, उनकी ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है। उसके बाद अगर अपन पश्चिमी द्वार बोलें तो जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहली क्लास ली थी, पहला सरमन दिया था अपने कुछ पांच कंपेनियंस को डियर पार्क में नियर द सारनाथ, वो उसको दर्शाता है। और उसके अलावा अगर आप नॉर्थ वाला गेट देखें, उत्तरी गेट, तो उनके निर्वाण को दर्शाता है। तो ये जो है ये चार चीज़ें हैं जो बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे स्तूपा का एक एक चीज़ बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड है। फिर इसके आगे देखिए प्रदक्षिणा पाथ है। ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, मतलब ये देखिए ये जो गोल घूमने का इसके अराउंड पाथ होता है जिसमें आप परिक्रमा करते हैं, वो होता है प्रदक्षिणा पाथ। ये प्रदक्षिणा पाथ दर्शाता है कि आप जो है इस तरीके से गोल 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 मूव करके एकदम आपका एम है जीवन का बीच में आना। मतलब जीवन जो आपका है अस्थिर है, अनस्टेबल है, तो आपको अस्थिरता से स्थिरता की तरफ आना ही आपके जीवन का लक्ष्य है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ ही आना है। तो ये आपको दिखाता है प्रदक्षिणा पथ। उसी के चारों तरफ आप परिक्रमा लगाते हैं जो दिखाता है कि आपके जीवन मृत्यु की एक एंडलेस साइकिल है। आपका जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और अगर आपने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया तो फिर आप इस जीवन मृत्यु की साइकिल से बाहर निकल आते हैं। तो ये परिक्रमा है ये इसी चीज़ को दर्शाती है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए एक तो मैंने जावा के स्तूपा का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे क्या है, कुछ बुद्धा की इमेजेस रखी हुई हैं। जो ये इमेज है ये दर्शाती है फॉर्मलेसनेस की, मतलब उनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, उनके कोई अंश नहीं है, वो फॉर्मलेस हैं। जहाँ आप माने भगवान वहीं पे हैं। तो ये भगवान बुद्धा के उस फॉर्मलेसनेस को दिखाता है। अगर आप देखें तो मेन स्तूपा क्या है, खाली है। ये दिखाता है कि बीच में, मतलब जो मेन स्तूपा है वहाँ पे खाली है। आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी अब मन भटकाने वाली चीज़ नहीं है, एकदम शरीर अंदर से खाली है, शांत है, स्थिर है। तो यही चीज़ दिखाती है अब एनलाइटनमेंट। तो इस तरीके से आपने स्तूपा लिया, उसके हर एक पार्ट को अच्छे से देख के फिर उसके बाद उस पर हमने चर्चा की, और इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को टैकल करना था। और अल्टीमेटली कंक्लूड किया मैंने कि भाई आर्ट और आर्किटेक्चर जो थे, जो भी बौद्ध धर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, वो इसीलिए बौद्ध आदर्शों को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाते हैं। क्वेश्चन यही था, यहीं से हमने शुरू किया था, पूरी बात कह के वापस यहीं पे आ गए। तो अपने जो हमने स्टैंड लिया है, अपने पक्ष को मजबूती प्रदान की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कृष्णदेव राय का, जो कि विजयनगर के राजा थे। क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो थे वो ना सिर्फ एक अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही, साथ में इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर को, बहुत सारे साहित्यों को, बहुत सारी विद्याओं को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, इन्होंने उसका संरक्षण किया। तो आपको बताना है वो ये दोनों ही चीज़ें थे। अल्टीमेटली आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना है। पहले बताइए कि किस तरीके से वो एक कुशल विद्वान थे, उस बात में आप डिस्कस करें। उसके बाद आप दूसरे पार्ट में लें कि किस तरीके से वो एक अच्छे संरक्षक भी थे, उन्होंने बहुत सारी जो साहित्य हैं, जो उस समय की विद्याएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसे डील करें तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह आंसर हो पाएगा। भाई इसमें जो क्वेश्चन का शुरुआत में वर्ड है वो है डिस्कस। डिस्कस में आपको क्या करना है, आपको उस विस्तार में बात करनी है लेकिन सटीक बात भी करनी है। क्वेश्चन को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए दो भागों में टूटता है ये। सबसे पहले तो कृष्णदेव राय की बात की गई है, जो पूरा क्वेश्चन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर कह रहा है सबसे ज़रूरी बात, तो ये अकम्प्लिश स्कॉलर, एक कुशल विद्वान थे, और साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, यानी कि महान संरक्षक भी थे विद्या के और साहित्य के। तो आपकी अप्रोच ये रहेगी, सबसे पहले तो बताएं कृष्णदेव राय के बारे में, फिर उसके बाद बताएं कैसे ये विद्वान एक अकम्प्लिश स्कॉलर थे, और फिर बताएं किस तरीके से ये लिटरेचर के पेटर्न भी थे, संरक्षक भी थे।
और फाइनली आपने जो ये यहाँ पे जो आपने छोर पकड़ा है उसी छोर को यहाँ तक पकड़े रहें और अपने स्टैंड को सॉलिडिफाई करें। देखिए आंसर में मैंने लिखा है विजयनगर किंगडम जो था वो रूल किया गया था कृष्णदेव राय द्वारा, जो कि तुलवा डायनेस्टी के राजा थे और उस समय के वन ऑफ द बेस्ट, और इनफैक्ट उस समय को गोल्डन एज कहा जाता है, ये जो कृष्णदेव राय का समय था मीडिएवल साउथ इंडिया के लिए, तो उस समय के वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन थे जो साउथ इंडिया ने प्रोड्यूस किए, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे काम करने में बहुत महान सभी स्फेयर्स में काबिलियत रखते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ना तो सिर्फ एक ज़बरदस्त योद्धा थे, उसके अलावा एक संचालक थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उसके अलावा वो एक प्रेमी थे जो कि कला से, संस्कृति से, साहित्य से प्रेम करते थे। तो आपने बताया उनका जो है रेंज कितना बड़ा था। फिर जो आंसर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वही हम आंसर करते हैं कि कृष्णदेव राय शुरुआत में हम लोग बता रहे हैं कैसे एक अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे। सबसे पहली बात तो ये ग्रेट पेट्रन थे आर्ट और लिटरेचर के, ये तो हमको पता है, ये अगले भाग में हम इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका भी एक छोटा सा पार्ट है ये। उसके अलावा इनका नाम था अभिनव भोज, जो कि इनका नाम दिया गया था। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में अच्छे से साहित्य लिखने की, उसमें बातचीत करने की काबिलियत रखते थे, जैसे कि कन्नड़, संस्कृत और तमिल। इसके अलावा इन्होंने एक तेलुगु, इन्होंने एक वर्क लिखा है जिसको बोला गया है अमुक्त मर्यादा। ये जो है ये पेन को दर्शाता है, दुख है, और दुख किसका है, इसमें एक अंडल नाम का जो है व्यक्ति है, कैरेक्टर है, उसने लॉर्ड विष्णु से सेपरेट हुआ है, वो उसके बीच में और लॉर्ड विष्णु के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, तो ये अंडल का जो है दर्द दिखाता है, पेन ऑफ सेपरेशन। उसके अलावा इनका एक और संस्कृत में भी काम है जिसको हम कहते हैं मदलसा चरित्र। इसमें एक क्वीन है मदलसा, जिनके नाम पे ये वर्क किया गया है, उनके पूरी जीवनी को बताया, उनके पूरी लाइफ को बताया है। उसके बाद इन्होंने कई सारे प्ले भी लिखे हैं, जैसे कि जामवती कल्याण, उषा परिणायाम, रसमंजरी, सत्य वादु पारणिया। तो ये इनके कुछ संस्कृत प्लेज हैं। इनके नाम आप याद रखें क्योंकि जब ये विजयनगर पे क्वेश्चन आए या फिर जब कृष्णदेव राय पे क्वेश्चन आए तो हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे हमको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि नाम थोड़े मुश्किल हैं याद रखने में, लेकिन आप कुछ बार प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बताते हैं किस तरीके से इन्होंने संरक्षण किया साहित्य का। तो देखिए सबसे पहले तो इसको बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, जो कि कृष्णदेव राय की एज थी। यहाँ पे बहुत सारे तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल इस समय के पोएट्स आए जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वर्क लिखे हैं, इस समय बहुत ज़बरदस्त साहित्य लिखे हैं, और उनको पेटर्नेज दिया कृष्णदेव राय ने, उनको संरक्षण दिया कृष्णदेव राय ने। आठ उनके जो कोर्ट था, तो इनके कोर्ट में जो पोएट्स थे उनको अष्ट दिग्गजालू कहा करते थे, क्योंकि आठ लोग थे ऐसे, जैसे नवरत्न थे वैसे ही यहाँ पे एट पोएट्स थे अष्ट दिग्गजालू, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि एक है अल्लासानी पेदाना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, इनको वहाँ का आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, क्योंकि सभी उनकी कविताओं को सराहते थे, बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त कविताएं लिखते थे, तो उनको वहाँ का आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। इनका एक वर्क है मनु चरित्रमु, तो ये इनका एक वर्क है, ये याद कर लिया जाए आपके द्वारा। उसके बाद तेनाली रामकृष्णा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं तेनाली रमन की, ये वही है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी उस समय के, ये बहुत बड़े जीनियस थे, तो ये इनका एक वर्क है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पीरियड था इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु तो कहा ही जाता था, साथ में इस पीरियड को कहा जाता था प्रबंध पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें इतने ज़बरदस्त प्रबंध लिखे गए, साहित्य का एक हिस्सा होता है प्रबंध, इतने अच्छे प्रबंध लिखे गए कि ये एक्सेप्शनल क्वालिटी के प्रबंधों द्वारा ही इस पीरियड का नाम पड़ा, जिसको प्रबंध पीरियड भी कहा गया। फिर उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने पेटनाइज किए हैं कई सारे कन्नड़ पोएट, जैसे कि मल्लनार्या या फिर तिमन्ना, इन्होंने लिखी है ये देखिए वीर शैव मूर्ता भव चिंता रत्न, और यहीं पे आप तिमन्ना को लें तो उन्होंने भी लिखी है कृष्णदेव राय की खुद की योलॉजी जिसका नाम है कृष्ण राय भारत।
तो अल्टीमेटली ये पोएट्स के नाम लिखे, उनके वर्क के नाम लिखे, ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। ये तो कंटेंट भरने की बात है, आप कंटेंट याद कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप पहले कुछ उस टाइम के पोएट्स लिखें, उनके बारे में लिखें, फिर पोएट लिखें, उनके बारे में लिखें, उनका वर्क लिखें, और ये सब पोएट जो है अल्टीमेटली किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। तो इससे ये दिखता है कि वो कितने बड़े संरक्षक थे, उन्होंने इतने सारे पोएट्स को संरक्षण दिया, सबके काम को सराहा, उनको पूरी तरह छूट दी कि वो इतने डेवलप हो पाएँ। प्रबंध पीरियड कहा जाता है उस समय को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत लिटरेचर में भी उन्होंने कुछ लोगों को पेटनाइज किया, जैसे कि व्यसतीर्थ इन्होंने लिखी है, न्यायमित्र इन्होंने लिखी है, तर्क तांडव। तो ये जो दो किताबें हैं ये इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये दोनों आप याद कर लें। तो ये आपका स्ट्रैटजी थी ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। तो इसी वजह से ये पूरी तरीके से सही रहेगा अगर मैं कहूँगा कृष्णदेव राय ना कि सिर्फ एक विद्वान थे, वो अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे, लेकिन वो एक ज़बरदस्त संरक्षक भी थे। उन्होंने विद्याओं को, उन्होंने साहित्य को, सबको पेटनाइज किया, बढ़ावा दिया, अपने दरबार में बहुत सारे पोएट्स को पेटनाइज किया, जो पोएट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में महारत हासिल करे हुए थे, उन्होंने उस समय बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है कि वो पूरा पीरियड जो था वो गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर था। तो ये तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह एड्रेस किया। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये वाला जो सवाल है ये 1857 की क्रांति से आया हुआ सवाल है, कह रहा है किस तरीके से ये जो 1857 की क्रांति थी ये एक वाटरशेड की तरह आई, और किस में? इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। इसका मतलब ये है इस क्रांति के बाद ही ब्रिटिश ने अपनी बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए पॉलिसीज़ में। अगर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को एडमिनिस्टर करती थी, तो यहाँ के बाद से अब जो है ये कमान चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, सीधे ब्रिटिश क्राउन ही आपको एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये 1857 की क्रांति थी जिसने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक योगदान दिया है हिस्ट्री को परिवर्तित करने में, तो आपको उसी के बारे में लिखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन आपका कीवर्ड है, इसका मतलब क्या आपको डिटेल में बात करनी है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इसको डिस्कस करना है। अगर हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूट के हमारे सामने आता है। सबसे पहले लिखिए कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बारे में किस तरह वो एक वाटर शेड रहा, मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐतिहासिक मोड़, एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ ब्रिटिश पॉलिसी की बदलाव में, और कहाँ पे? जब कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही थी। अप्रोच आपकी सीधी रहेगी, सबसे पहले आप 1857 की क्रांति के बारे में बात करें, फिर उसने क्या चेंज लाया ब्रिटिश की पॉलिसी में, उसके बाद आप इस ये जो चेंज आपने यहाँ पे हल्का सा जिक्र किया इसको डिटेल में बताएं। यहाँ पे आप सिर्फ जिक्र करेंगे क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को डिटेल करेंगे। और फाइनली इसी बात को जो आपने पकड़ रखा है कि 1857 हाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इसी को पकड़े 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 पूरा आंसर करें और फाइनली इसी बात को वापस सॉलिडिफाई कर दें। तो देखिए आंसर में मैंने क्या कहा है कि हेल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कही जाती है, जो कि पहली स्वतंत्रता का जो युद्ध है ये भारतीयों द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो है क्या? वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसने बहुत भयंकर बदलाव लाया ब्रिटिश की पॉलिसीज़ में भारत के लिए। जो अब ब्रिटिश सोच रहे थे वो कह रहे थे अब हमको करना है कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, मतलब अब हमको वापस समेटना है, अब हमको बढ़ाना नहीं है एम्पायर। पहले उनकी नीति थी कि अगर एक उन्होंने जगह को कैप्चर किया है तो धीरे से इसके बगल वाली को भी कैप्चर कर लें, इसकी बगल वाली को भी कैप्चर कर लें, लेकिन अब उनमें दिख गया था कि भाई आने वाले समय में क्रांति ऐसी भड़क सकती है, इसीलिए जो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है उसी को हम समेट के अपने पास रखें, उसी का बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो ये उनकी नीतियाँ रहीं। फिर उसके बाद क्या चेंज रहे? बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से आपकी किसी भी किताब में मिल जाएगा, वो एज इट इज़ आपको लिखना है। सबसे पहले तो जो पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफ़र हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी रोल नहीं था, उनको हटा दिया गया, एक नई पोस्ट लाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट से था, कैबिनेट मिनिस्टर था लंदन में, उसको यहाँ पे भेजा गया। उसके बाद मिलिट्री में कुछ चेंजेस लाए गए, भाई जो नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स थे वो बढ़ा दिए गए, भारतीय सोल्जर्स की मात्रा कम कर दी गई, जिन लोगों ने भी ब्रिटिश का साथ दिया था इस क्रांति में, लॉयल रहे थे, उन लोगों को बेहतर पोस्ट मिली। उसके अलावा जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग
भिन्न भिन्न प्रजातियों से, अलग अलग जातियों से बुलाए गए, जिससे क्या उनमें एक यूनिटी की भावना कम रहे। उसके बाद उनका पूरा जो इस इन चार जो रिफॉर्म्स हैं उनसे उनकी एक ही मंशा थी कि कैसे यूनिटी को तोड़ा जाए, क्योंकि इस 1857 की क्रांति में हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी ज़बरदस्त थी और इसी यूनिटी के चलते इतनी बड़ी क्रांति फैल पाई। तो ब्रिटिश का एम था इस यूनिटी को तोड़ें, और यहीं से उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल शुरू हुई। इसमें क्या है, कास्ट बेस्ड सेंसस आने लगा। तो भाई सीधी सी बात है, अब आप लोग कास्ट पे जोर दे रहे हैं, हिंदू का सेंसस, मुस्लिम्स का सेंसस, तो आप दिखा रहे हैं कि आप दो अलग अलग गोले हैं, आप दो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। तो ये उनका पहला वो रहा। दूसरी बात, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको कैसे ना कैसे करके ख़त्म करने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ, बाद की स्टेजेस में हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो इंट्रोड्यूस हुए, ये भी उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ने का एक ज़रिया था। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो IT 1861 का, उसमें इंडियंस को और जगह दी गई। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट्स आते गए, वैसे वैसे लेजिस्लेचर में इंडियंस की एंट्री को लिबरलाइज कर दिया कि और इंडियंस अब भर्ती करने लगे, इलेक्शंस धीरे धीरे आ गए। इसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग में क्या ज़्यादा सेंसिटिविटी झलकने लगी, मतलब अब ब्रिटिश पॉलिसी में सेंसिटिव हो गए थे, उनको बड़े ध्यान से आगे बढ़ना था। उनको भारत की जो कमान उन्होंने पकड़ रखी थी, जो उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था भारत को, उसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं था। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे सेंसिटिविटी दिखाई, पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आई। काउंसिल एक्ट 1861 के बाद क्या हुआ, पहले जो सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड आ रहा था कि सारी पावर जो रहेगी बीच में एक आदमी के हाथ में रहेगी, वो धीरे धीरे छूट गई। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पावर वापस दे दी गई, कुछ प्रेसिडेंसीज के पास पावर चली गई, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, जो पहले उनसे ले ली गई थी और एक सेंटर के पास थी। उसके बाद और कुछ समय बाद जब हम देखेंगे 1883 के पास, तब तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जो आज पंचायती राज के रूप में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के रूप में आपके सामने है। तो वो और इसके कौन रचयिता थे, ये थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद जो एनेक्सेशन की पॉलिसी चल रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये लॉर्ड डलहौसी ने शुरुआत की थी इसकी, इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई कि आप ऑटोनॉमस रहिए, बस ये है कि आप ब्रिटिश को अपना माई बाप समझते रहिए, उनकी पैरामाउंसी में ही रहेंगे आप। उसके बाद फिर पॉलिसी आई नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस इशूज़। इससे पहले क्या हो रहा था, 1828-29 के आसपास सती प्रथा को बैन किया गया, फिर उसके बाद विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया, और ब्रिटिश पूरा साथ दे रहे थे इन सोशल रिफॉर्म्स में इंडियन रिफॉर्मर्स का। राजा राम मोहन रॉय ने इसमें बहुत काम किया है, ईश्वर चंद विद्या सागर ने इसमें बहुत काम किया है, और ब्रिटिश ने इन सबको सपोर्ट भी किया है। लेकिन ये जो था, ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जिनकी पुरानी नीतियाँ हुआ करती थी, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। अब एक बार वो ब्रिटिश के खिलाफ हुए तो वो भी एक फैक्टर रहा 1857 की क्रांति का। तो ब्रिटिश ने सोचा कि भाई बस अब हम इनके रिलीजियस इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुमको जो करना है तुम अपने आप करो, तुम्हारे सोशल अफेयर्स में भी हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर बात आई भाई रेलवे और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या हुआ, इस डेवलपमेंट के तहत जो पहला एम था कि अब हम अपने एम्पायर को समेटेंगे, उसी को एक साथ बना के रखेंगे, कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प की गई। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हेल्प हुई, मिलिट्री एक्सपेंशन में हेल्प हुई, हर एक कोने तक इंडिया के ब्रिटिश की मिलिट्री जा सकती थी, उसका गुड़ जा सकता था। तो 1857 के बाद की जो चेंजेस हुए, देखिए मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा सिर्फ उसी समय के चेंजेस पे, उसके बाद धीरे धीरे और भी जो चेंजेस हुए बाद तक, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बाद में आया, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता गया, इंडियंस की भर्ती जो हुई वो भी शुरू हुई लेकिन बाद में आते आते और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप अपना जो पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं कि भाई हुआ तो सब 1857 के बाद है, लेकिन चेंजेस जो हुए वो आप यहाँ से आराम से विस्तार में दिखा सकते हैं। तो कंक्लूड आप इसको ऐसे करेंगे कि भाई जो 1857 की क्रांति थी, ये इसी वजह से वाटरशेड की तरह कही जा सकती है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। हालांकि ये जो पॉलिसी थी, इन्होंने इंडियंस की मिजरी को कम नहीं किया, वो वैसे ही थे, इंडियंस वैसे ही परेशान थे, लेकिन उन्होंने
ब्रिटिश की बहुत काम किया, इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प की, पॉलिटिकली ग्रो करने में हेल्प की, उनकी मिलिट्री हर एक तरफ तक फैल पाए इसमें भी हेल्प हुई, और इंडियंस की मिजरी कंटिन्यू रही। लेकिन इसी से ये हुआ कि इंडियंस एकजुट हुए धीरे धीरे करके, और आगे जाके एक नेशनलिस्ट जो ट्रेंड आया है वो इंडिया में यहीं कहीं से आया है। तो ऐसे कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाई इसमें आपको रोल ऑफ वेमेन बताना है, महिलाओं का क्या रोल है हमारे आज़ादी के संग्राम में, और उसमें भी आपको फोकस करना है गांधीयन फेस के बाद। 1914-15 में जब गांधी जी की एंट्री हो गई थी उसके बाद से महिलाओं ने क्या रोल प्ले किया है। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप ज़रा सा जिक्र प्री गांधीयन फेस का भी करें, उससे ये होता है आपके आंसर की विड्थ दिखती है कि भाई हमको इतने से इतना आता है, प्री गांधीयन से हमको पोस्ट गांधीयन तक आता है, लेकिन आपने सिर्फ गांधी के आने के बाद की बात की है इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा फोकस किया और फाइनली हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया। तो हम लोग अप्रोच भी यही फॉलो करेंगे, ये भी बताएं और ये भी बताएं, इसको थोड़ा कम तवज्जो दें और इसको बहुत विस्तार में बताएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड जो कि है डिस्कस। डिस्कस मतलब विस्तार में बताएं लेकिन सटीक बात करें। क्वेश्चन आप छोटे भागों में तोड़ेंगे तो आएगा वुमेन का रोल कहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और ये कब बताना है, मेन फोकस रखना है गांधीयन फेज पे। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा वुमेन का रोल, उन्होंने ओवरऑल क्या रोल प्ले किया, उसके बाद मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा बता के प्री गांधीयन फेज के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन का जो मेरा मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला, गांधीयन फेज में क्या क्या मूवमेंट हुए, कहाँ कहाँ वुमेन ने भाग लिया। और इस आंसर को आप जितना ज़्यादा कंटेंट से भर पाएँ आप भरें, जितने नाम मेंशन कर पाएँ आप करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो स्कोप दिलाता है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का, बहुत हटके लिखने वाले क्वेश्चन हैं जो। तो इसमें फिर आप कंक्लूड अल्टीमेटली करेंगे एक ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नोट पे। तो देखिए शुरू कैसे किया, शुरू मैंने किया वुमेन का रोल बता के, क्या कि भाई जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो ग्लोरी है वो उतनी ज़्यादा चमक के बाहर नहीं आ पाएगी जब तक मैं उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वुमेन ने। भले ही कोई भी एज ले लो, आप कोई भी जाति ले लो, कोई भी आप कास्ट ले लो, कोई धर्म ले लो, कोई क्लास ले लो, गरीब अमीर कोई भी, लेकिन हर एक स्फेयर से वुमेन आगे बढ़ी, उन्होंने एक टॉर्च बियरर का काम किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो देखिए शुरू मैंने किया है हल्का सा प्री गांधीयन फेज बता के, इसमें 1857 से मैंने शुरू किया। पहले तो मैंने 1857 लिया और उसके पहले का ज़रा सा बताया, फिर उसके बाद का ज़रा सा बताया। देखिए 1857 के पहले मैंने दो नाम लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें से एक है भीमाबाई होलकर और एक है रानी छेनम्मा। ये किट्टूर की थी, ये कुछ पहली महिलाओं में से थीं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक संग्राम छेड़ा, इन्होंने आज़ादी के लिए शुरू किया लड़ाई। तो यहाँ शुरू होती है वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर मैं इस 1857 के बाद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ अर्ली फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब गांधी जी आने ही वाले थे। तो उससे पहले आपने एक जिक्र कर दिया एनी बेसेंट का, जिन्होंने होम रूल लीग बनाई अल्टीमेटली 1917 में। यहाँ तो गांधी जी आ चुके थे लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रिसाइड भी किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये पहली महिला थी जिन्होंने कभी भी आज तक के हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। उसके बाद मैं आता हूँ गांधीयन फेस पे, ये हमारे क्वेश्चन का मेन भाग है, यहाँ पे आपको विस्तार में बात करनी है। तो देखिए इसमें मैंने शुरू में ये लिखा है कि वुमेन जो हैं वो टॉर्च बियरर के तरह इमर्ज हुई, उन्होंने बहुत सारे नए नए तरीके निकाले जिससे कि आज़ादी के मूवमेंट में भाग लिया जा सके, जैसे कि प्रभात फेरियाँ निकाली गईं, कविताएं लिखी गईं, गाने लिखे गए, इन सब से ही एक साथ मिलके लोगों को इकट्ठा किया गया, एकजुट किया गया। तो ये कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाए वुमेन ने। फिर उसके बाद मैंने फेज़ बाय फेज़ लिया है, सबसे पहले सत्याग्रह का फेज़ लिया है। तो इसमें जब गांधी जी शुरुआत में आए थे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा के समय, तब उनका किसने मदद की थी, पार्वती देवी, राजवंशी देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे। उन्होंने और भी चीज़ें की, उन्होंने प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इलिटरेसी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उसके बाद अगर हम अहमदाबाद लेबर मूवमेंट की बात करते हैं, चंपारण के बाद अहमदाबाद हम लोग
अहमदाबाद की बात करते हैं तो देखिए उसमें अनसुईया बेन साराभाई जिन्होंने अपने ही भाई के अगेंस्ट खड़े होकर वर्कर्स की वेज के बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट किया, तो यहाँ पे भी वुमेन का एक रोल आ गया। देखिए मैं कितने सारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ नाम, उसके बाद मैं आ गया हूँ स्वदेशी मूवमेंट पे। यहाँ पे आपने वुमेन का मास पार्टिसिपेशन देखा, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, देखिए तो मैं इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि इसको आप प्री गांधियन फेज में भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। बहुत वुमेन का पार्टिसिपेशन था, बॉयकॉट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस पे भी पार्टिसिपेट किया कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स भी किया, बहुत सारे और भी एजिटेशंस किए। तो ये हमने एक छोटा सा पासिंग बाय रेफरेंस दे दिया। फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बारी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल सरोजिनी नायडू, इन्होंने अपना केसरी हिंद का टाइटल वापस लौटा दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। साथ में बंगाल और मैं बॉम्बे की बात करूं तो वहां पे छोटे छोटे वुमेन के संगठन इमर्ज हुए, जैसे कि नारी कर्म मंदिर, जैसे कि महिला कर्म समाज, जिन्होंने जो मूवमेंट है उसको और मजबूती दी। हर तरफ से, भारत के हर एक कोने से वहां पे एक ही आवाज़ आ रही थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इससे पूरे मूवमेंट को बहुत मजबूती मिली। फिर खुद कस्तूरबा गांधी जी जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपनी ज्वेलरी, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स थी उनको दान कर दिया। और क्यों दान किया? जिससे कि किसी गरीब का घर चल सके, मूवमेंट में किसी तरह की कमी ना आए, कोई भी फाइनेंशियल ज़रूरत हो तो इन चीज़ों से पूरी हो सके, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेशन दिखाया। फिर आप आगे बढ़े सिविल डिसोबीडियंस पे, देखिए इसमें सरोजिनी नायडू का अहम किरदार है। इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। उसके बाद कमला नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में बहुत अच्छे से पार्ट लिया। फिर मुथु लक्ष्मी रेड्डी और अनसुईया बहन, इन्होंने भी यहाँ पे पार्ट लिया और इन्होंने अपनी जो काउंसिल्स थी उसकी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया सपोर्ट दिखाने के लिए। फिर उसके बाद हम सत्याग्रह की बात करते हैं। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुए उसमें अरेस्ट की गई कुछ महिलाएं, जैसे कि सुचेता कृपलानी, प्रियंवदा देवी, महादेवी केजरीवाल, तो ये कुछ थे, इनको अरेस्ट किया गया। तो देखिए कहीं भी किसी भी स्फेयर में वुमेन पीछे नहीं है, वो आगे बढ़ बढ़ के वहाँ पे पार्ट ले रही हैं। तो ये पंजाब, उड़ीसा और बिहार की मैंने आपको बात बताई। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट में उषा मेहता, आपको पता है, अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी ये। फिर मतांगिनी हजरा, जो कि एक 73 ओल्ड वुमेन थी, जिन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और बंगाल में कांग्रेस का झंडा फहराया। उसके बाद अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे 1942 के मूवमेंट में। फिर हम बात करते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, जैसे कि प्रीतिलता वडेदार, कल्पना दत्त, जिन्होंने सूर्या सेन के साथ काम किया चितगोंग आर्मरी रेड में। तो आप देखिए कोई भी ऐसा स्फेयर खाली नहीं छूटा जहां वुमेन का रोल ना हो। हर एक मूवमेंट कवर किया है, हर एक मूवमेंट में कुछ कुछ वुमेन का नाम दिए हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली आपने ये क्वेश्चन कवर किया है। कंक्लूड आप ऐसे करेंगे कि हाँ, वुमेन का बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने सभी तरीके के जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो बैरियर थे, जो उनकी सोच थी, जो लोगों की सोच थी, उन सबको तोड़ के आगे कदम बढ़ाया और अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना स्वतंत्रता संग्राम में लगाया। तो इस तरीके से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें चेरिश करना चाहिए। इस तरीके से आपने ये वाला पूरा क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस करके इसको ख़त्म किया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो अप्रोचेज थी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में, उनमें डिफरेंस बताना है। तो आपको एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस की लेनी है, उसके अलावा आपको दूसरी तरफ जो है महात्मा गांधी की अप्रोच लेनी है। आप चाहें तो एक टेबल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे लिख दें कि भाई वर्ल्ड वॉर में उनकी नीतियाँ क्या थी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश के जो फॉलआउट थे, वो कमज़ोर पड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे नहीं, हमको उनका साथ देना चाहिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट लें और उसमें दोनों के जो डिफरेंसेस थे उस पर बात करें, ये आपका आसान तरीका हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं तो देखिए इसमें आता है कि सीधी सीधी बात, डिफरेंस बताइए सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच में और महात्मा गांधी की अप्रोच में। तो देखिए इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में आप बताएं दोनों ही लीडर्स के बारे में, फिर आप बताएं किस तरीके से इनकी अप्रोचेज अलग थी और इसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल किया है। शुरुआत मैंने की है देखिए सुभाष चंद्र बोस को बताते हुए कि वो तो महात्मा गांधी को फॉलो भी करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनका आदर करते थे पूरी जर्नी में अपनी, लेकिन फिर भी अप्रोच की बात करें तो दोनों की अप्रोचेस काफ़ी अलग थी। तो उस अब अप्रोच की बात करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन इस
इस एंड पे छोड़ा है कि मैं बॉडी में वहीं से कैच करूंगा, मतलब जो छोर आपने यहाँ पे छोड़ा है उसी छोर से आप यहाँ कैच करिए, तो इससे क्या होता है ये जो ब्रिज बन जाएगा तो इससे यहाँ से यहाँ आने में आसानी होगी। मैंने यहाँ बात की है कि उनकी अप्रोच, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, तो अब मैं बताऊंगा कैसे अलग थी। देखिए, एक तरफ मैंने सुभाष चंद्र बोस लिख लिए, एक तरफ महात्मा गांधी लिख लिए। जो देखिए बोस थे वो बहुत आइडियोलॉजी में भरोसा करते थे, किसकी, तिलक और अरबिंदो की। वो एक नेशनलिस्ट थे, एक फायर ब्रांड नेशनलिस्ट थे, लेकिन महात्मा गांधी भरोसा रखते थे टॉक्स में, डिस्कशन में, कैसे ना कैसे करके बात से, सहमति से, नॉन वायलेंस से ब्रिटिश को अपनी ओर करा जाए, कैसे अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। और उनके मेंटर थे गोखले और टैगोर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर थे। उन्होंने गांधी जी को भी क्रिटिसाइज किया था, कब, जब गांधी जी ने चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। गांधी जी एक मॉरल अप्रोच लेके चलते थे नेशन बिल्डिंग की तरफ, कि अगर मैंने ये माना है कि नॉन वायलेंस से हमको ही जीत हासिल करनी है, तो जहां हमने वायलेंस की वहां पे हम मूवमेंट सस्पेंड कर देंगे। उनके कुछ मॉरल कैरेक्टर्स थे, कुछ नीतियाँ थी जिसके आधार पर वो चलते थे। लेकिन बोस थे लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर, उनको चाहिए था कि फ्रीडम लाई जाए बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके आपको आज़ादी दिलानी है। बोस ज़्यादा प्रैग्मेटिक थे, वो जर्मनी और जापान तक से बात करना चाहते थे कि जिससे ब्रिटिश को देश से निकाला जाए। लेकिन गांधी जी का मॉरल स्टैंड था, वो कहते थे कि भाई जो जापान है, जो जर्मनी है, वो वर्ल्ड वॉर टू में नाजी वाला कम्युनिटी है, वो गलत है, वो सप्रेशन का एक जो है आइडियल है, वो पूरी मूर्ति है, कैसे लोगों को सप्रेस किया जाए, तो हम ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकते। बोस ने तो इनफैक्ट जर्मनी में, फिर उसके बाद बोस इस फेवर में थे कि भाई आप अगर हथियार उठाना पड़े तो वो भी उठाएं, हमको चाहिए आज़ादी। लेकिन गांधी जी इस चीज़ में अलग विचारधारा रखते थे, वो कहते थे कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, यही दो मेथड होने चाहिए आज़ादी को हासिल करने के लिए। इस तरीके से इनकी अप्रोच अलग थी। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर का दौर आया, तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जो ब्रिटिश की वीक पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाया जाए, अभी वो कमज़ोर हैं तो उन पर अभी वॉर कर दिया जाए तो वो इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। गांधी जी चाह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है, सामने वाले को भी मजबूत होने दो, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे अपनी परसूट। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश पे अटैक करना सही नहीं है, उनका साथ देना चाहिए। इनफैक्ट जो बोस थे वो रेडिकल टेंडेंसी के थे, वो चाहते थे कि मास आर्म्ड स्ट्रगल हो, सब लोग हथियार उठाएं और हथियार उठा के लड़ें। गांधी जी कह रहे थे नहीं, मास पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है, लेकिन वो भी होना चाहिए सत्याग्रह के चारों तरफ घूमता हुआ, नॉन वायलेंस के चारों तरफ घूमता हुआ। तो ये इनकी अप्रोच में डिफरेंस था। उसके बाद एक बार इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी इनकी अप्रोच कुछ अलग रही। बोस चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज बने जिसकी वजह से भारत जो है सेल्फ सफिशियंट बने, लेकिन गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलक्टेंट थे। वो चाह रहे थे कि विलेजेस का विकास हो, गाँव का विकास हो, शहर, जो भारत के छोटे छोटे हिस्से हैं उनका विकास हो, इस तरीके से भारत सेल्फ सफिशियंट बनेगा। तो ये आपने देखा कि कैसे इन दोनों की अप्रोचेज में काफ़ी फ़र्क था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, आगे के सवाल मैं अगले वीडियो में अपने डिस्कस करूँगा। मेरे साथ आप बने रहें, इस लेक्चर से आपने सीखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।